हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। अगर हम क्यूबॉइड ड्रॉ करें, ये होता है हमारे पास क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेथ एंड दिस इज हाइट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के टोटल 6 फेसेस हैं, अपर और लोअर, फ्रंट और बैक, लेफ्ट और राइट। क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो आपको 6 फेस यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम फेसेस, एरिया ऑफ लेफ्ट एंड राइट फेसेस, एरिया ऑफ फ्रंट एंड बैक फेसेस, अगर मैं टॉप और बॉटम को अलग अलग से देखूं तो इट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका एरिया आ गया एलबी, इसका भी आ गया एलबी, टॉप और बॉटम का एरिया आया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो टोटल एरिया दोनों फेसेस का 2lb। अब अगर लेफ्ट और राइट फेसेस का एरिया देखा जाए, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में होगा, बी इंटू एच, सो बी एच प्लस बी एच 2bh। अगर फ्रंट और बैक के फेसेस का देखा जाए तो वो भी L इंटू एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप है ये भी, तो 2 टाइम्स HL या LH। हमने सभी फेसेस का अलग से एरिया निकाला। अब अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल एरिया मींस पूरा स्पेस जिसमें क्यूबॉइड या क्यूबॉइड की शेप की कोई भी चीज फिक्स होगी, तो वो क्या होगा, सभी फेसेस का सम 2 टाइम्स एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, टेकिंग 2 कॉमन एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। तो ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब अगर मुझे कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड को लेटरल भी बोलते हैं, कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मींस द एरिया दैट इज अलोंग द साइड्स, इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगा। क्यूबॉइड की अगर हम एक एग्जांपल ले, रूम इज एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। रूम में क्या है, 4 वॉल्स हैं, टॉप पे रूफ है और नीचे बॉटम पे फ्लोर है। अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो रूफ एंड फ्लोर इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्लियर। जो टॉप और बॉटम होगा वो रेक्टेंगल शेप में होगा, तो लेंथ एंड ब्रेथ। जो 4 वॉल्स हैं, वॉल्स की तो हाइट भी होगी, तो इन दोनों केसेस में हाइट इंक्लूडेड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मींस ओनली एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन केस ऑफ रूम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला भी है। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ रूफ और फ्लोर इंक्लूड नहीं होंगे, ये वाला पोर्शन कर्व्ड एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे पास आया 2bh प्लस 2hl, टेकिंग 2h कॉमन b प्लस l, या हम कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स l प्लस b इनटू h। सो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्लियर। जो कर्व्ड एरिया है उसमें टॉप और बॉटम का पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। अगर हमें किसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी फाइंड करना है तो उसमें क्या लगेगा,
curved surface area of cuboid. ये तो हुआ cuboid के बारे में. अब हम discuss करें cube. अब volume of cuboid पहले देखते हैं. Volume of cuboid. Volume क्या होता है? Area of base into height. हमने अभी जो cuboid draw किया था, cuboid में जो उसका base था वो क्या था? Rectangular shape में. ये हमने cuboid draw किया था. इसका जो base है rectangular shape में और base का area क्या था? Length into breadth. Area of rectangle. So area of base is L into B and height क्या है cuboid में? H. So volume of cuboid is L into B into H. हमने total surface area find किया, curved surface area and then volume. तो ये हमारे पास तीनों formulas हो गए cuboid के लिए. Now cube. Cube क्या है? Cube is a special case of cuboid जिसमें सारी sides equal होती हैं. Cuboid का special case जिसमें सारी sides equal होंगी, that is cube. तो when L, B और H तीनों equal होंगे, तो that is cube. हमने cuboid का find किया था curved surface area, total surface area and volume. Six faces थे total. तो अगर ये तीनों side हमने मान लिया A की equal है, curved surface area में four faces include थे, इसमें area of each face क्या आएगा? Equal थे L into B, L into B, तो A into A, A square हर एक face का area है. Curved surface area में cuboid के 4 faces include थे और total surface area में 6 faces include थे. और एक face का area है A square, so curved surface area आ गया 4 A square और total surface area आ गया 6 into A square. Volume of cuboid था L into B into H. अब तीनों sides equal हैं, so A into A into A, that is A cube, where A is the length of side. A is length of side of cube. Clear? Cuboid से ही हमने cube का surface area, curve, total और volume find किया. Now write down next. अब इसको एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं फॉर्मूलास को याद करने के लिए. सॉलिड, उसकी फिगर, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सबसे पहले हमने लिया क्यूबॉइड, देन लिया क्यूब. क्यूबॉइड हुज लेंथ्स आर एल बी एंड एच. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या था हमारे पास? एरिया ऑफ फोर वॉल्स 2 एल प्लस बी इंटू एच. Total surface area of cuboid LB plus BH plus HL. Volume of cuboid is L, B and H. L is length, B is breadth and H is height. और cube के केस में सारी sides equal थी A, A and A. तो curved surface area 4A square. Total surface area 6A square. And volume is A cube, where A is the side of cube. हमने दो figures को किया cuboid and cube के बारे में.